हरे कृष्णा एवरीवन, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने हमारा पहला सेशन देखा होगा जिसमें हमने आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में विस्तार से एक जनरल गाइडेंस प्रोवाइड की, जिसको देखने के बाद में प्रत्येक विद्यार्थी आर्ट्स संकाय के बारे में एक अच्छी और उपयोगी समझ विकसित कर सका होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आज का यह सेशन हम शुरू करें इससे पहले मेरी एक सभी से विनम्र अपील, अगर आप कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी हैं और इस सेशन को देख रहे हैं तो आप इस सेशन को अंत तक देखें ताकि आपकी विज्ञान संकाय के बारे में, साइंस स्ट्रीम के बारे में एक बेहतर समझ विकसित हो सके। और अगर आप कक्षा 10 या 12 हाल ही में उत्तीर्ण किए विद्यार्थी नहीं है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, शेयर करें जिन्होंने अभी हाल ही में कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण की है, ताकि हमारे प्रयास सार्थक हो सके और ऐसे विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर यूथ प्रोग्राम का सेशन 2, जिसमें आज हम बात करेंगे कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद में विज्ञान संकाय के बारे में। विज्ञान संकाय क्या है, किस आधार पर इसका चुनाव करें, कौन कौन सी विषय है, विषयों के चुनाव का आधार क्या हो, संकाय को चुनते समय कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातों पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान संकाय का सेशन 2। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान संकाय के परिचय की। तो साइंस स्ट्रीम जो है वो मेनली हम बात करते हैं, वैसे तो उसमें कई सारी सब्जेक्ट आती है, लेकिन एक जनरल जो लोगों के बीच में परसेप्शन बना हुआ है उसमें मैथ, यानी साइंस मैथ, साइंस बायो या साइंस विद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ये महत्वपूर्ण होता है। मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो एक ही बात विद्यार्थियों के मन में आती है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक के लिए एडमिशन लेना और वहां से अपना ग्रेजुएशन का टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम कंप्लीट करना। इसके लिए दोस्तों जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई की परीक्षा होती है, तो यहां पर मैंने उसको रखा है कि अगर आप साइंस मैथ के साथ में लेते हैं तो आपको जेईई की एग्जाम देनी होती है। साइंस अगर आप बायोलॉजी के साथ में लेते हैं तो सबसे मेन चीज आप डॉक्टर बनने का सपना लिए हुए चलते हैं, और जिसके लिए ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एग्जाम्स आयोजित करवाता है। और अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICMR ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो ये संस्थाएं मैंने इसलिए यहाँ पर रखी हैं ताकि आपको एक जो जनरल ऑलरेडी प्रचलित बातें हैं उनसे आप जुड़ सकें। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि साइंस स्ट्रीम में जब आप जैसे ही 10th पास करके आते हैं तो आपको 11th में कौन कौन सी ऐसी सब्जेक्ट हैं जो कि आपको देखने को मिलती है, और जब आप 12th को पास कर लेते हैं तो आगे उन सब्जेक्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके सामने उपलब्ध होते हैं, उन सभी पर हम आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। तो आफ्टर 12th, जैसे आप 12th को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो जैसे 10th में तो आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ये सभी सब्जेक्ट आपको 11th और 12th में ऑप्शन के रूप में मिलती है। हिंदी इंग्लिश आपकी कंपलसरी होती है, लेकिन जैसे आप 12th को उत्तीर्ण करते हैं तो आपके सामने अलग अलग करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, तो वो करियर ऑप्शंस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, जिसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो आपके पास में 12वीं में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी जाकर के आप इंजीनियरिंग की अलग अलग जो स्ट्रीम्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और भी जो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग, इस तरह के अलग अलग इंजीनियरिंग है उनमें, उस कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं और एज ए इंजीनियर आगे भविष्य में करियर अपॉर्चुनिटीज आप चुन सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के रूप में अपने आप को देखते हैं भविष्य में, तो आपके पास में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे आप MBBS परस्यू कर सकते हैं। BAMS अगर आप करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, तो आपके पास में PCM यानी कि PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए। बी फार्मेसी का आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो दोनों चलेंगे, बायोलॉजी भी हो सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में और मैथ भी हो सकती है। BSc नर्सिंग का कोर्स है, इसमें भी आपको PCB होना चाहिए। BSc ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास में अगर आपके पास में PCM है या PC बायोलॉजी है या फिर PCCS है, CS यानी कि कंप्यूटर साइंस, तो आप BSc ऑनर्स कर सकते हैं किसी भी एक स्ट्रीम में। BSc नॉर्मल और BSc ऑनर्स में क्या अंतर है, BSc का कोर्स तो सभी करते हैं, एक जनरल कोर्स होता है जिसमें 12th के बाद में ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में BSc कहलाती है, बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन ऑनर्स जो होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के 3 वर्ष तक आपको वही सब्जेक्ट, उसमें स्पेशलाइजेशन की एक ग्रेजुएशन होती है।
बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, आपको एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अगर आपको रुचि है, आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आप बैचलर ऑफ साइंस इन एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं, जिसमें आपको पीसी भी 12th लेवल पर होना चाहिए। बीएससी फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं, एक फिजिशियन बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, और उसमें भी आपको पीसी भी चाहिए। बीएससी कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको 12वीं में अनिवार्य रूप से कंप्यूटर साइंस होना चाहिए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट के रूप में। बीएससी आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं, बीएससी आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं, आर्किटेक्ट आप बन सकते हैं, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं, और इसी के आधार पर अलग अलग कोर्स हैं जो कि आफ्टर 12th अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बालक हैं तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो विषय का आप चुनाव कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम का जो आप चुनाव कर रहे हैं, उसका आधार क्या हो, किस आधार पर आपको अपने जो संकाय है, साइंस स्ट्रीम है, उसका चुनाव करना होगा। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें जो आपको नहीं करनी है, जिन पर कि जिनको कि आपको आधार नहीं बनाना है, उनको बात यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कि सबसे पहले जो कि अधिकांश बच्चे करते हैं कि उनके टेंथ के साथ ही, जिस तरह की अगर कोई साइंस ले रहा है, मैथ ले रहा है, बायो ले रहा है, तो वो भी भीड़ चाल बन जाता है और उनके जैसा ही वो करने का प्रयास करता है, उनके जैसा वो कोर्स खरीदना चाहता है। मेरे साथी भी मैथ ले रहे हैं, मुझे भी मैथ लेनी चाहिए, मेरे साथी साइंस ले रहे हैं तो मुझे भी साइंस लेनी चाहिए, बायोलॉजी लेनी चाहिए, इस प्रकार का आधार आपका नहीं होना चाहिए। साइंस लेने वाला बच्चा तो समाज में बहुत इज्जत पाता है, उसकी तो सब इज्जत करते हैं, और साइंस लेने वाले बच्चे तो जिंदगी में तरक्की करते हैं, तो इस तरह की सोच भी किसी भी संकाय के चुनाव का आधार नहीं हो सकती है। मेरे पापा मम्मी मेरे रिश्तेदार मुझे एक इंजीनियर के रूप में, एक अच्छे डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए मैं साइंस ले रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने साइंस ली थी, उनके बच्चे ने साइंस ली थी, माता पिता भी ये तर्क करते हैं, वो देखिए आज कितना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर या अफसर बन गया। इस तरह का कोई भी आधार संकाय को लेने का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। तो इन सब बातों से बचे, माता पिता भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना बनाए, ये सब बातें महत्वपूर्ण देखनी है आपको, कि इन चीजों को आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। कौन कौन सी बातें जो ध्यान में रखनी है, मेरी रुचि साइंस पढ़ने में, मुझे मैथ में रुचि है, मुझे गणित में रुचि है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं साइंस लेकर के एक देश को एक वैज्ञानिक के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में सेवा देना चाहता हूँ, मुझे गणित अच्छी लगती है, मुझे नंबर्स पसंद है, इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी रुचि के आधार पर जो आपके अंदर से निकल के आ रहा है उसको आपको आधार बनाना चाहिए आपके संकाय के चुनाव का। तो इन आधारों पर आप विज्ञान की किसी भी विषय का चुनाव करेंगे और विज्ञान को एज ए स्ट्रीम आप 11th में लेंगे। आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मैं विज्ञान के रूप में संकाय का चुनाव कर रहा हूं, लेकिन क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मेरे पास में उपलब्ध है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि मुझे पहले से ही जानना जरूरी है कि मेरे पास में आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज सामने आने वाली है, तो आइए उनके बारे में हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक जो जनरल परसेप्शन लोगों के दिमाग में होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है, या फिर मुझे कोई लैब में काम करना है, इस तरह की कोई भी जो बात आपके दिमाग में पहले से होती है, उन सब चीजों को तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा भी अन्य अनेकों करियर ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक महत्वपूर्ण करियर ऑप्शन जो है वो आप इसरो में एज ए वैज्ञानिक के रूप में आप जा सकते हैं, और इसरो में एक बालक ने हमसे क्वेरी भी पूछी थी, तो उस बालक को और सभी बच्चों को मैं एक बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसरो में जाने की रुचि है तो आप इसरो को एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं, प्रशिक्षु के रूप में आप इसरो में जा सकते हैं। आगे आपकी जब क्वालिफिकेशंस होंगी तो आप इसरो में एज ए साइंटिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी, ये जो वेबसाइट है इसका मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पर www.isro.gov.in/careers पर जाकर के आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने इंटरनेट से एक ब्लॉग का लिंक यहाँ पर दे रखा है, मेड इजी एक कोचिंग है, उसका एक ब्लॉग है कि https://blog.madeeasy.in/isro-all-about-indian-space-research-organization। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको इसरो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, और इस ब्लॉग को पढ़ना ना भूलें, ये ब्लॉग आपको इसरो के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इन सभी बातों के साथ में वे महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको विज्ञान को या अन्य किसी भी स्ट्रीम को चुनते समय ध्यान में देनी है, आइए उन पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी जो संकाय होता है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है। कोई कहता है कि साइंस इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि साइंस एक अच्छा संकाय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई एक्स वाई जेड संकाय नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो खराब है। संकाय कभी भी खराब या अच्छा नहीं होता है। संकाय होता है, डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा संकाय, कौन सी फैकल्टी, कौन सी स्ट्रीम
जो है आपके लिए सूटेबल है, आप किस स्ट्रीम में सहज रहेंगे, सहज रूप से अध्ययन कर सकेंगे, वही संकाय आपको चुनाव करना चाहिए। प्रत्येक बालक जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। माता पिताओं के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात कि अपने बालक को किसी अन्य के बालक से कंपेयर ना करें, क्योंकि प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व उसके सामाजिक आर्थिक पारिवारिक परिवेश से मिलकर के बनता है, जिसमें बालक बड़ा होता है अपने व्यक्तित्व को निर्माण करता है और उस व्यक्तित्व के आधार पर उसकी रुचि अलग अलग होती है। तो उसकी रुचि को प्राथमिकता देनी चाहिए उसका संकाय चुनते समय, ना कि किसी का उदाहरण देकर के उस पर अनावश्यक दबाव बनाया जाना चाहिए। आपके लिए कौन सा विषय उपयुक्त होगा इसकी जांच अगर आपको करनी है, तो आपकी क्या रुचि है, आपकी योग्यता क्या है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इस प्रकार के प्रश्न बालक को खुद से पूछने चाहिए, खुद की काउंसलिंग करनी चाहिए, खुद से कुछ क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। जब उसके अंदर से जो जवाब आएगा, उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा उसको जो जवाब देगी, वही संकाय या वही विषय उसके अपने फर्दर स्टडीज के लिए चुनना चाहिए और भविष्य में अपना करियर के रूप में चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चार महत्वपूर्ण बातें जिनका कि आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है जब भी आप किसी संकाय के चुनाव के बारे में निर्णय लेने वाले हैं। दोस्तों, आपने ये सब जानकारी विज्ञान संकाय के बारे में सुनी, जानी, समझी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो किसी अन्य सब्जेक्ट पर या किसी अन्य स्ट्रीम पर या साइंस स्ट्रीम के किसी सब्जेक्ट पर आपको आगे डिटेल्ड जानकारी चाहिए हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें सीधे सीधे लिख सकते हैं, या फिर ये जो लिंक स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वह कॉमर्स के ऊपर होगा, क्योंकि हम दो सेशन के ऊपर बैक टू बैक बात कर चुके हैं। जो हमारा पहला सेशन था वो आर्ट्स स्ट्रीम के ऊपर था, हमने इस सेशन में साइंस स्ट्रीम के ऊपर बात की, अब कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर हम डिटेल्ड में पूरा विस्तार से कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करेंगे, क्योंकि देखा गया है कि साइंस और आर्ट्स के बारे में लोगों में एक जनरल एक सामान्य समझ है, लेकिन कॉमर्स के बारे में इतनी समझ लोगों के बीच में नहीं है। तो कॉमर्स को हम डिटेल से बहुत विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ में कॉमर्स फील्ड के कोई एक्सपर्ट जुड़ सकें, जिनसे कि आपको और आसानी से कॉमर्स को समझने में एक संकाय के रूप में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए नेक्स्ट सेशन है और आ रहा है, उसे आप देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमने आपके लिए आने वाले समय में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स के लिए सेशंस की व्यवस्था की है, जिसमें प्रत्येक सेशन में एक एक्सपर्ट हमारे साथ में होंगे, जिनमें प्रमुख तौर पर कॉमर्स के जो कुछ मेन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, या फिर और भी टीचर स्ट्रीम से लेकर के टीचर एजुकेशन से लेकर टीचर ट्रेनिंग में कौन कौन सी बातें आपके लिए जानने के लिए जरूरी है, उन सभी की एक कॉम्प्रेहेंसिव डिटेल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास आने वाले सेशंस में करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सीरीज जो हम करियर काउंसलिंग और गाइडेंस की चला रहे हैं इसे आप शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्णा।